का भेदभाव खत्म हुआ है, लेकिन आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री अपने प्रजा को ऊंच नीच के हमारे नेता हैं वसंत पटेल। क्या अभियान चलाया गया है? हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है रालोसपा की तरफ से, पटना जिला उसी के तरफ से यहाँ पे दिवस मनाया गया और उसी में हम लोग नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोले हैं। अभी जो बयान दिया गया उसके बहुत सारे बहुत उन पे ये सब शोभा नहीं रहता। उन्होंने कल फिर एक बयान और दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मीडिया के लोगों ने गलत दिखाया है। मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि ये मतलब उन्होंने जातिवाद के खिलाफ बात बोली है पूरी, और इस साक्षरता अभियान पूरे बिहार में चलाया जा रहा है, बिहार में चलाया जा रहा है और युवा इसमें जोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, किन मुद्दों पर, किन बातों पर यह अभियान किया गया है आप लोग द्वारा? राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आज पूरे बिहार में हर जिला मुख्यालय में महात्मा फूले ज्योति बाकी एक पुण्यतिथि है उस कार्यक्रम को आयोजित किया है, और उसी कार्यक्रम के तहत चूँकि महान विभूति आदरणीय महात्मा ज्योतिबा फूले शिक्षा देते, शिक्षा का संचार करने में उनकी अहम भूमिका थी, और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने विगत दिनों से लगातार शिक्षा में सुधार की बात कही है, इसलिए आज इस मौके पर शिक्षा सुधार जन जन का अधिकार का भी कार्यक्रम है और उसी के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। यह हस्ताक्षर अभियान जिला मुख्यालय से लेकर के प्रखंडों में, पंचायतों में, हर गांव में जाकर के यह हस्ताक्षर कराया जाएगा कि शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है। चूँकि हम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी संकल्पित हैं, समर्पित हैं कि विगत दिनों 15 अक्टूबर 1917 को जो गांधी मैदान में संकल्प लिया था कि शिक्षा में सुधार करेंगे, करके रहेंगे, उसी की कड़ी है कि हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। नीतीश कुमार के खिलाफ उस बयान के खिलाफ भी एक रोष प्रकट कर रहे हैं आप लोग? नहीं, ये रोष प्रकट नहीं है, चूंकि यह एक प्रचलन हो गया है, अभी के एक प्रवृत्ति हो गई है कि किसी को नीच दिखाने के लिए नीच शब्दों का उपयोग करो। इन प्रवृत्ति के विरोध में कि समाज में इस तरह की भावना अब पनपे नहीं, व्यापक रूप से व्याप्त नहीं हो, निश्चित रूप से इस पर नियंत्रण पाने के लिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने ऊंच नीच मानसिकता विरोध दिवस का कार्यक्रम किया है। आपने सुना होगा कि विगत दिनों राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो भारत सरकार के मजबूत स्तंभ है, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री हैं, उनके खिलाफ भी कुछ वरिष्ठ नेताओं ने अपने वक्तव्य में नीच शब्द का प्रयोग किया है, जिससे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, उनके शुभचिंतक, उनके समर्थक, कार्यकर्ता, नेता सभी असहज महसूस कर रहे हैं, व्यथित हैं, दुखी हैं। मांग क्या कर रहे हैं आप लोग इस बयान के? राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर आपने इस बात को कही है तो इस पर आपको खेद प्रकट करना चाहिए, बिहार वासियों के सामने भूल स्वीकार करनी चाहिए। कितने लोग इस हस्ताक्षर अभियान से जुड़े? मैं बता रहा हूँ, ये तो पूरे बिहार में मेरा अभियान चला, ये तो शुरुआत है। पटना में कितना? राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने इसकी शुरुआत किया है और अभी अभी लगभग 2-3 घंटे के अंदर जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं कम से कम 500 लोगों का हस्ताक्षर अभी तक उपलब्ध हो चुका है, और पूरे बिहार में करोड़ों लोगों से हस्ताक्षर कराने का अभियान राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने। ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हुआ है, लेकिन आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री अपने प्रजा को ऊंच नीच के हमारे नेता हैं वसंत पटेल।